हाय गाइस, वेलकम बैक टू रावत ब्लॉग एंड चैलेंजेस। गाइस, हम सब नहा धो के हमारे घर की सफाई हो गई और हम कर रहे हैं नाश्ता। अब हम कर रहे हैं नाश्ता और नाश्ते में है हमारे पराठा और भाजी। और फ्रेंड्स देखिए, मैं भी खाने वाला हूँ। ये कर रही है दिशा और ये बैठा है अंशु। तो चलिए हम कर रहे हैं नाश्ता। तो गाइस देखिए, अब मैं आ गई हूँ कमरे में सब्जियाँ लेकर। सब्जी में लिए मैंने घिया और शिमला मिर्च, आलू और थोड़ी थोड़ी जो और सब्जियाँ थी वो सारी मैंने सब्जी ले ली। क्योंकि अब बनाऊँगी मैं सांभर। और सांभर भी किस तरह से बनाती हूँ मैं, ये घिया काटूँगी ना तो मुझे घिया की वजह से सांभर को ना रई जो होती है, दही फैटते हैं उससे मैं कसूँगी, फैट दूँगी कि जिससे ये मुँह में घिया आए नहीं, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं ये खाते नहीं हैं। और जब मैंने घिया काटी थी तो घिये में थोड़े हल्के हल्के से बीज आ रहे थे, तो देखिए मैं बीज निकाल रही हूँ ऊपर से, ऊपर का हिस्सा जरा जरा सा सारे घिये में से, क्योंकि मुंह में फिर अगर बीज आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो ये मैं घिये के बीज निकाल कर वो काट रही हूँ। और इसके बाद काटूँगी मैं शिमला मिर्च हो गए, आलू हो गए, और जैसे कि आपको पता है कि वो दाल भी डलती है उसमें, तो मैं वही सारी चीज़ अपने ये काट रही हूँ एक बर्तन में। ये देखिए शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी काटूंगी मैं, क्योंकि एक सांभर में सारी सब्जियां डाल दूँ और उसमें रई से फेंट देंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या क्या चीज़ डाली, सीताफल डाला है या नहीं डाला है। तो अब आ गई हूँ मैं रसोई में। रसोई में देखिए मैं सारी सब्जियां काट कर और कुकर में चढ़ा रही हूँ। ये देखिए टमाटर रह गए थे मेरे काटने के लिए, मैं इमली नहीं डाल रही, सिर्फ टमाटर डाल रही हूँ। तो वही मैं टमाटर, और मैं यहाँ पर ये इमली का सांभर नहीं बना रही, मैं इमली की जगह डालती हूँ टमाटर। टमाटर ज़्यादा डाल देती हूँ, उससे ये खट्टापन भी आ जाता है और हल्का सा, वो हल्का नहीं मतलब हल्का सा खट्टापन आता है और रंग भी आ जाता है। तो उधर मैंने अपना सांभर रख दिया है कुकर में, वो उधर बन रहा है। और इतने में मैंने सोचा बर्तन इकट्ठे हो रहे तो लाओ बर्तनों को भी मांज लेती हूँ, दोनों काम हो जाएंगे मेरे। तो यहाँ पर मैं बर्तन मांजने लगी हूँ और इसके बाद मैं अपने दिखाऊंगी सांभर के साथ। सांभर के साथ मैं क्या बना रही हूँ वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं अपने ये बर्तन माँज लेती हूँ, क्योंकि बर्तन एक एक करके माँजो चाहिए होते हैं, कुछ बनाते हैं तो वो सही नहीं लगता, एक साथ ही माँज के रख लेती हूँ फिर अपने बाकी का काम करेंगे। तो देखिए ये मेरे हो रहे हैं बर्तनों का काम, भारी देखिए अंशु कर रहा है कुछ। तो पहले मैं बर्तन मांजती हूँ, बर्तन के बाद मैं दिखा रही हूँ कि मैंने सांभर के साथ क्या बनाऊँगी, किस चीज़ की मैंने तैयारी करी है। तो ये पहले बर्तन हो जाए मेरे, तो बर्तन मेरे मजने ही वाले हैं, थोड़े से बर्तन रह गए थे, ज़्यादा नहीं थे बर्तन। तो मैं मांजती रहती हूँ जब भी रसोई में आऊँगी, मुझे बर्तन सिंक में मिलते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बोतल में पानी भर के रख दो, जब भी बोतल मेरे बर्तन मजे थे तो मैंने अपने बन चुका है, ऐसे रही से फेंट रही हूँ मैं। अब मैं कर रही हूँ सांभर बनाने की तैयारी। उबाल तो लिया था मैंने, मतलब जो सब्जी काटी थी वो उबल गई थी, तो एक कढ़ाई मैंने ये ऑयल डाला था, इसमें हल्का सा मैंने उनको अदरक कस लिया था घिया कस से बारीक बारीक, तो वो अदरक डाली थोड़ी थी और राई डाली थी, हरी मिर्च, तो उसी से मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसमें मैंने डाला सांभर मसाला, अब ये देखिए इसमें डालती मैंने सांभर। और सांभर को मैंने जैसे कि दिखाया था रही से फेंट लिया था, और साथ में मेरे कढ़ाई में सांभर पक रहा है, तो मैंने दूसरी तरफ अपनी ये दाल भिगो रखी थी तो वो धो रही हूँ। देखिए ये है उड़द की दाल। तो सांभर के साथ बनाऊंगी मैं वड़े। वड़े में बाज़ार वाले वैसे नहीं बनाऊंगी, जो गोल से आते हैं बीच में छेद वाले, वो नहीं बना रही मैं पकौड़ी टाइप के ही बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने दाल धो ली थी, अभी मिक्सी में पीस रही हूँ, ये मैंने एक बार के तो पीस लिए। और उड़द की दाल होती है तो गाइस वो हार्ड होती है ज़्यादा, तो ज़्यादा भर दो जार को तो वो चलती नहीं, मिक्सी रुक जाती है, तो इसलिए मैंने आधी आधी करके दाल को पीसा है। ये देखिए हल्का हल्का में पानी भी डालना पड़ रहा है उसमें। तो ये दाल मेरी पिस चुकी है, ये मैंने डोंगे में पलट ली। अब इसमें हल्का सा ही जीरा, नमक, हल्की सी मिर्च और कुछ नहीं ऐड करा मैंने, सिर्फ हल्की सी मिर्च और नमक अपने जितना कम तेज जो भी खाते हो आप उस हिसाब से डाली है, और थोड़ा सा जीरा डाला था और हल्की सी मैंने हींग डाली थी। और देखिए ये मैं फेंट रही हूँ। और गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर पकौड़ी चाहे बेसन की हो चाहे दाल की हो किसी चीज़ की बनाओ, उसे आप अच्छे से फेंटोगे तभी अच्छी बनती है।
तो देखिए इधर मेरे कढ़ाई में अपना वो रख दिया था ऑयल गर्म होने के लिए, तो यहाँ मैं फेंटती रही थी। और देखिए मैंने आपको रोटी में दिखाया था पानी में डालकर, तो दाल ऊपर आ गई थी तो मैंने अच्छे से फेंट दिए। वो जब भी ऊपर आती है तो ये मेरी बन रही है पकौड़ी। पकौड़ी क्या बड़े बन रहे हैं, मैं पकौड़ी की तरह ही बना रही हूँ कढ़ाई में। ये देखिए जितनी एक बार में आ जाए तो ये मेरी पकौड़ी एक बार की बन चुकी है। तो इसके बाद जो बाकी की मेरे दाल पीसी रखी है वो भी बनाऊँगी मैं। सब बड़े एक साथ ही बना के रख लेती हूँ क्योंकि तो देखिए सांभर तो गर्म हो जाता है और ये बड़े अपने बार बार क्या बनाएंगे, तो सांभर गरम गरम में डाल दो तो ये भी मुलायम हो जाती हैं। एक तरफ मैं पानी रखा था दिशा के सिर धोने का, तो पानी में रख रही हूँ उसका सिर धोने के लिए। इधर देखिए मेरा सांभर और बड़े, ये लगेगा भगवान जी को भोग। मैं जा रही हूँ भगवान जी को खिलाने के लिए खाना। तो देखिए गाइस अब खा रहे हैं दिशा ने पहला कोर, नहीं दूसरा कोर, और साथ में है वड़ी और सांबर, सांबर के साथ। ये देखिए कैसा है, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट रखी है वो, तो मैंने दिखाए थे ऐसे जब भी ये हो रहे थे। ये देखिए बहुत मुलायम है क्योंकि मैंने दाल अच्छे से फेटी थी। वो ये है अंशु का। चलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो गाइस अब मैं खा रही हूँ खाना, खाने में लेकर आई हूँ ये देखिए बड़ों के मैंने टुकड़े कर लिए छोटे छोटे और ऊपर से डाल लिए सांभर थोड़ा। और ये बैठा है किताब लेकर, और पढ़ाई कैसी हो रही मैं अभी दिखाऊँगी। इधर दिशा खा रही है और देखो सामने चल रहा है हमारे टीवी। टीवी देखते देखते हम खाना खा रहे हैं, इधर अंशु पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम खा लेते हैं खाना। दिशा अभी खाना खा कर आई है, बिल्कुल अभी थाली रखी है, वो देखिए अब पी रही है फ्रूटी। ये लेकिन फिर भी फ्रूटी से अच्छी मेरी है। क्या अपनी फ्रूटी को देखना, दे तो दिए तुझे खाने के लिए। तो चलिए गाइस इसके लिए अभी एक चम्मच वो खाओ फिर ये पियो। नहीं तू भी अपनी फ्रूटी। तो चलिए गाइस हमारे ठंडे हो रहे हैं सामर बड़े, हम खाते हैं अपनी ठंडे हो जाएंगे। इवनिंग एवरीवन। तो गाइस हम पी रहे चाय, ये हमारी चाय है साथ में हमारी पार्ले जी दिशा बना के लाइए चाय। ये देखिए अब दिशा का काम है अभी। दिशा अभी क्या काम है तेरा? कपड़े तय करने हैं, रोटी भी बनानी है ना। नहीं रोटी भी बनानी, कपड़े हैं वो भी। कपड़े कल जो मैंने मशीन लगाई थी ना वो कपड़े अभी कमरे में रखे हुए हैं, तय नहीं हुए, तो आज मैंने आधे कर दिए हैं। आधे हुए देख लो जाकर। अच्छा अच्छा, तो वो कपड़े कलवा लेते हैं और आज तय होंगे और अपनी अपनी अलमारियों में जाएंगे अपनी जगह, धीरे धीरे फिर निकल जाएंगे। चलो पहले चाय पीते हैं। चाय वाय पीकर अब मैं आ रही हूँ छत पे, आ गई मेरे छत पे। और यहाँ पे देख लीजिए सन्नाटा, सन्नाटा नहीं सन्नाटा। और अब मैं चेक कर रही हूँ टंकी। अभी टंकी नहीं भरी, वाह वाह। तो फ्रेंड्स अभी टंकी नहीं भरी है, टंकी देखने आई थी कि पानी लीक तो नहीं हुआ, ओम चुकी है ना, तो पानी लीक नहीं हुआ है। और मैं शाम को आई थी क्योंकि अंधेरा ना हो जाए, आज वैसे इतनी ठंड है नहीं क्योंकि मैं देखो शॉल भी लेकर आई थी और मैं अपना फ़ोन भी लेकर आई थी। ठीक है सो वीडियो अब मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए फिर आप देखते नहीं हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें कौन सा सीक्वेंस अच्छा था, रेसिपी अच्छी थी, आपने ट्राई करी कैसी लगी, दिखने में कैसी लगी, तो आप सबको कमेंट करके बताइएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना फॉर दी नोटिफिकेशंस कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। दैट्स फॉर द टुडे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।